ये इस उपलब्धि के लिए अभिभावक और आचार्य टोली भी श्रेय के पात्र हैं। विद्यालय भवन के जिस आज विद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ, इस विद्यालय प्राप्त हुआ है, जिन्होंने भवन के निर्माण के लिए ईंट बजरी रेता इत्यादि सामग्री जो है विद्यालय परिसर में पहुंचा दी है। विद्यालय भवन के निर्माण के लिए सांसद निधि से माननीय श्री सुरेश चंदे और माननीय श्री सुरेश भारद्वाज एवं स्थानीय जनता के सहयोग से विद्यालय के भवन का निर्माण हुआ है। इस उपयुक्त पुनित कार्य के लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से और उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वार्षिक रिपोर्ट संपन्न करता हूँ। वातावरण को भक्तिमय बनाने के लिए भजन में बस गए श्याम जपो
आज के इस उत्सव के अध्यक्ष आदरणीय श्री चेतराम जी, संरक्षक हिमाचल शिक्षा समिति, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, सांसद एवं महामंत्री इंदर सिंह डोगरा जी, जिला संघ चालक बिलासपुर, आदरणीय जगतपाल वशिष्ठ जी, उपाध्यक्ष बिलासपुर विभाग, आदरणीय सुभाष चंदेल जी, सहमंत्री हिमाचल शिक्षा समिति के ऊपरी मंजिल पर चल रहा है। जो स्थान विद्यालय के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी आचार्य और दीदी और प्रधानाचार्य के प्रयत्न से उस अपर्याप्त स्थान से भी इस प्रकार के विद्यार्थी हम शिशु मंदिर की स्थापना की जाए और शिशु मंदिरों के द्वारा जो है जो शिशु संस्कारित होगा, जिस शिशु को संस्कारित शिक्षा मिलेगी राष्ट्र के अंदर देश के अंदर, वो जाकर जब बड़ा होगा नागरिक बनेगा, वो इस सारे देश की जो विकृति है उनको दूर करेगा। 1952 में गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसने वहां पर विचार करके 1952 में Thank you.
पुरस्कार प्राप्त कर लें। प्राप्त किया। इसके बाद भैया सचिन ठाकुर सुपुत्र श्री श्यामलाल, क्रमांक पर बहन प्रियंका शर्मा सुपुत्री श्री सुरेंद्र पाल, इन्होंने लंबी कूद उत्तर क्षेत्र में दूसरा। धन्यवाद माननीय श्री केतरांगी। पुरस्कार की तीसरा अगले क्रम में इसी विद्यालय की बहन इंस्पायर परियोजना के अंतर्गत शामिल है। इसमें शामिल है बहन प्रियंका शर्मा, 5,000 रुपए नकद प्राप्त किया था और जिसके अंतर्गत इसने कन्या सादिया सुपुत्री श्री करम दीन ली। धन्यवाद माननीय श्री सुभाष। जगत प्रकाश नड्डा जी को आमंत्रित करता हूँ। इस माननीय श्री अक्षय सिंह ठाकुर जी को कि वह पुरस्कार वितरण करें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मान के योग्य आदरणीय चेतराम जी, जो हम सबके संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं और शिक्षा समिति के भी संरक्षक हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और हम सबके प्रेरणा के स्रोत श्री ठाकुर अक्षय सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित लंबे समय से शिक्षा से जुड़े हुए संघ के प्रांत के सह कार्यवाह भाई किस्मत जी, शिवपाल जी, मंच पर विराजमान शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे सभी प्राध्यापकगण, हमारे प्रधान जी यहाँ पर सुजीत सिंह जी, प्राध्यापकगण, शिक्षकगण और हमारे प्यारे भैया बहन और अभिभावकगण, ये सच और ये मौका जो मुझे शिक्षा समिति के सभी पदाधिकारियों ने और प्राध्यापक जी ने सबने मिलकर के जो मुझे दिया है और मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ, इसके लिए जो आपने मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा समिति के और